प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम आपके लिए जो जानकारी दे रहे हैं वह हायर मैथमेटिक्स के छात्रों के लिए और इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए, कक्षा 11 के छात्रों के लिए, 12 के छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है। देखिए, ऐसा है कि जो फंक्शंस होते हैं उन्हें दो प्रकार का कहा जाता है, इवन फंक्शंस और ऑड फंक्शंस। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे फंक्शंस भी हैं जो न इवन फंक्शंस हैं न ऑड फंक्शंस हैं। तो कभी कभी हमारे लिए इस बात की आवश्यकता पड़ती है कि ये फंक्शंस जो हमारा इवन फंक्शंस है अथवा ऑड फंक्शंस है, अथवा ना इवन है ना ऑड है। यदि इवन या ऑड फंक्शंस जो होते हैं उनके आगे प्रश्नों को हल करने के लिए बहुत ही आसानी हो जाती है यदि हमें ये जानकारी हो जाए, हम इसकी पहचान जानते हो कि ये फंक्शन हमारा इवन है ऑड है। तो इसकी पहचान किस प्रकार से करेंगे ये आपको हम कई उदाहरण लिखे हमने, इन उदाहरणों से समझाएंगे। मान लीजिए आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स, ठीक, आपको ये फंक्शन दिया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। अब आप इसमें एक्स के स्थान पर माइनस एक्स लगाइए, मतलब आप इसकी वैल्यू निकालिए एफ माइनस एक्स की, तो इसकी वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर। तो इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड से हम लिख सकते हैं एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। अगर हमारे लिए एक्स के स्थान पर माइनस एक्स लगाने के बाद फलन का वही मान प्राप्त हो जो ओरिजिनल मान है, तो हम कहते हैं यह फलन इवन है। और यदि मान तो वही प्राप्त हो लेकिन ग्लासबर्ग प्राप्त हो जाए तो उसे हम कहते हैं यह फलन हमारा ऑड है। उदाहरण के तौर पर यदि मान लीजिए हमारा दिया हुआ है एफ एक्स बराबर एक्स की घातांक 3, अब हम ये देखना चाहते हैं ये फंक्शन हमारा इवन है या ऑड है, तो हम यहां पर लगाएंगे एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एक्स की पावर 3 बराबर माइनस एक्स की पावर 3, और ये आ गया। और आ रहा है ऐसे माइनस, तो आप वैसा का वैसा रहने दीजिए और समीकरण नंबर 1 की सहायता से ये चीज के बराबर है तो आप यहां पर लगा सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि फंक्शंस में जब आपने x के स्थान पर माइनस एच लगाया तो आपको वैल्यू तो उतनी ही प्राप्त हुई लेकिन नेगेटिव भी प्राप्त हो, तो इसको कहेंगे हम ये फंक्शंस ऑड है। ठीक, अब कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो ना इवन होते हैं ना ऑड होते हैं, उनमें हम x के स्थान पर जब माइनस x लगा रहे होते हैं तो हमारे लिए न तो ओरिजिनल फंक्शंस वैसा के वैसा प्राप्त होता है पॉजिटिव में और न नेगेटिव में प्राप्त होता है, बल्कि एक नई चीज प्राप्त हो जाती है। तो ऐसे फंक्शंस को हम कहते हैं ये फंक्शंस हमारा न इवन है न ऑड है। उदाहरण के तौर पर यदि हमारा फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 7, क्लियर, अब आप एक्स के स्थान पर माइनस एक्स लगाइए तो आपको फल प्राप्त होगा एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एक्स माइनस 7, क्लियर। अब यदि इसमें से आप नेगेटिव के कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लें, तो आपको यह प्राप्त हुआ नेगेटिव वेक्टर शुरू और एक्स प्लस 7। अब ये चीज ना तो इसके बराबर है, क्लियर, तो इसलिए यहां पर हम ये नहीं लिख सकते। इसका मतलब ये हुआ ये फंक्शन हमारा ऑड नहीं है और न ये चीज इसके बराबर है, क्योंकि यहां पर जो है एक्स पॉजिटिव है, यहां पर एक्स नेगेटिव है, यहां पर 7 नेगेटिव है, यहां पर 7 नेगेटिव है, तो 7 के निशान तो नहीं बदला लेकिन केवल एक्स का निशान बदल गया। जबकि निशान अगर बदले, चिन्ह बदले पॉजिटिव से नेगेटिव हो तो पूरे फंक्शंस को होना चाहिए, ठीक है ना, या फिर किसी का भी नहीं होना चाहिए, पूरा फंक्शन वैसा का वैसा रहना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ ना तो यहां पर हमारे लिए
एफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स प्राप्त हो पा रहा है और न ही हमारे लिए एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स प्राप्त हो पा रहा है। इन दोनों में से कोई भी कंडीशन पूरी नहीं हो रही है, इसलिए ये फंक्शंस ना तो हमारा इवन है और ना हमारा ये ऑड है। तो ये लिखा जाएगा ये फलन ना तो इवन है और नहीं ऑड है। अब जो इवन फंक्शंस हैं उनमें हम ये नियम लगा सकते हैं जो नियम इवन फंक्शंस में लगते हैं, जो फंक्शंस ऑड हैं उसमें हम वो प्रॉपर्टी लगा सकते हैं जो ऑड फंक्शंस की प्रॉपर्टी है, और जो फंक्शंस ना इवन है ना ऑड है उसमें हम ना इवन फंक्शंस की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं ना ऑड फंक्शंस की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। समझ बात आपके? तो अब हमने आपको ये बात समझाने का प्रयास किया। अब इसी बात को समझाने के लिए हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, उन एग्जाम्पल्स के द्वारा आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब तो आज का हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित फलनों मतलब फलन को कहते हैं फंक्शंस में इवन फंक्शंस और ऑड फंक्शंस में छांटो। आपको ये कुछ फलन दिए हुए हैं, इनमें से आपको ये बताना है ये फंक्शंस जो है हमारा, ये फलन जो है हमारा, ये इवन है या ऑड है, या फिर आप ये कहेंगे ना ये इवन है ना ऑड है। क्लियर? अब इसकी जानकारी के लिए आपको बहुत से सूत्रों की भी आवश्यकता होती है, उन सूत्रों की भी आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बता रहे हैं पहला फंक्शन है हमारा एफ एक्स बराबर एक्स। क्लियर? तो जब हम इसमें एफ माइनस एक्स का मान निकाल रहे होंगे तो फलन प्राप्त होगा माइनस एक्स के, तो इसका मतलब ये हुआ कि समीकरण नंबर एक जो हमारा बना उससे इसके स्थान पर हम लगा सकते हैं एफ एक्स। तो यहां हमारे लिए फल प्राप्त हो गया एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स। तो लिखेंगे एफ एक्स बराबर एक्स और फलन है। क्लियर? अब आप दूसरा प्रश्न देखिए, हमारे लिए दिया है एफ एक्स बराबर एक्स एफ एक्स बराबर एक्स की घातांक दो, तो इसमें हम एफ माइनस एक्स का मान निकालना चाहते हैं। तो जब हम एफ माइनस एक्स का मान निकालेंगे तो हम निकालेंगे ये बराबर माइनस एक्स की होल पावर टू, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो प्राप्त होगा एक्स की पावर टू। और समीकरण नंबर एक से देखें तो ये चीज जो है वो एफ एक्स के बराबर है, इसलिए आर एच एस में इसके स्थान पर हम एफ एक्स रख सकते हैं एफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स। अर्थात एक्स के स्थान पर माइनस एक्स लगाने के बाद फंक्शन के मान में कोई परिवर्तन नहीं, इसलिए फंक्शन कहलाएगा हमारा इवन। तो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर इवन फलन है। क्लियर? अब आप तीसरा उदाहरण देखिए, आपको दिया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें आप एक्स के स्थान पर माइनस एक्स लगाकर एफ माइनस एक्स का मान प्राप्त कीजिए। तो ये हो जाएगा एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एक्स की होल घातांक दो प्लस माइनस एक्स, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको फल प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब आप समीकरण नंबर एक पर जाइए, तो समीकरण नंबर एक की सहायता से f माइनस एक्स को आप एफ एक्स के बराबर नहीं लिख सकते, इसका मतलब ये यहां पर तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है और x भी पॉजिटिव है, यहां पर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है और x नेगेटिव है, इसका मतलब ये जो है वो एफ एक्स के बराबर नहीं है। और यदि हम इसको इस प्रकार से लिख सकें तो यहां पर हम लिख देते एफ एक्स, तो ये माइनस एफ एक्स हो जाता ना, हम इस प्रकार से लिख पा रहे हैं, तो इसलिए ना तो ये एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स के है, मतलब ना तो ये फंक्शन हमारा इवन बन पा रहा है और ना ऑड बन पा रहा है। कहने ठीक है ना, तो इसको हम लिखेंगे फलन
एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ना तो इवन है और ना ऑड है। क्लियर। इस प्रकार से तीन फंक्शंस की जानकारी मैंने दी। ये एल्जेब्रिक फंक्शंस थे, अब मैं कुछ त्रिकोणमितीय ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। क्लियर। जब फंक्शंस इवन होते हैं या ऑड होते हैं यह मालूम पड़ जाता है तो बहुत से प्रश्नों को हल करने में बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि इवन फंक्शंस की प्रॉपर्टी जो होती है वहां पर हम लगा देते हैं, प्रश्न हमारा जरा देर में सॉल्व हो जाता है। ऑड होता है तो ऑड की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, और फिर आपको इन बातों की जानकारी होना चाहिए। जब तक आपको छोटी छोटी बातों की जानकारी नहीं होगी, सिद्धांतों की जानकारी नहीं होगी, तब तक आप बड़े प्रश्नों को करने में सुविधा प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो हम ये वाला प्रश्न भी सब कर चुके हैं, आपको समझा रहे हैं। तो हमारा फलन दिया है एफ एक्स बराबर साइन एक्स। अब आप एफ माइनस एक्स का मान ज्ञात कीजिए, तो साइन माइनस एक्स। अब यहां पर एक आपको त्रिकोणमिति के सूत्र का सहारा लेना पड़ेगा। आपने त्रिकोणमिति में पढ़ा है साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा के। इस नियम के आधार पर, इस सूत्र के आधार पर इसको लिख सकते हैं हम माइनस साइन एक्स। और ये समीकरण नंबर एक की सहायता से है जो हमारे लिए फंक्शन दिया था वह यहां पर हमारे लिए ओरिजिनल फंक्शन के बराबर ही प्राप्त हो रहा है। तो इसमें यहां पर हम लिख सकते हैं माइनस एफ एक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स जो है इस फंक्शन में हमारे लिए माइनस एक्स के एक्स के स्थान पर माइनस एक्स लगाने के बाद जो फंक्शन ओरिजिनल प्राप्त हुआ वही हो गया, लेकिन माइनस का प्राप्त हुआ, अर्थात यहां पर एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स की शर्त पूरी हो रही है। अतः एफ एक्स बराबर साइन एक्स ऑड फलन है। इसका मतलब ये हमारा फलन कैसा हो गया, ऑड हो गया। अब तीसरा देखिए आप अगला। अब आपका है ये एफ एक्स बराबर कॉस एक्स। अब आपको ये जांच करनी है कि कॉस एक्स जो है वह इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। तो इसमें एक्स के स्थान पर माइनस एक्स लगाने के बाद आप एफ माइनस एक्स का मान क्या कीजिए, तो आप ये प्राप्त होगा एफ माइनस एक्स बराबर कॉस माइनस एक्स। अब आपको तो त्रिकोणमिति के सूत्र की जानकारी होना चाहिए कि कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के। तो इस सूत्र के हिसाब से इसकी वैल्यू जो है वह कॉस एक्स के बराबर ही रहेगी, अर्थात माइनस एक्स लगाने के बाद इस फंक्शन का मान एक्स के स्थान पर माइनस एक्स लगाने के बाद इस फंक्शन का मान उतना ही रहा जितना ओरिजिनल फंक्शन है, अर्थात यहां पर समीकरण नंबर एक की सहायता से हम लिख सकते हैं एफ एक्स। तो हमारे लिए फल प्राप्त हुआ, रिजल्ट प्राप्त हुआ कि एफ माइनस एक्स बराबर जो है एफ एक्स की है इस कंडीशन में। अतः कॉस एक्स इवन फलन है। क्लियर। अब हम अगला सवाल लेते हैं। एफ एक्स बराबर दिया है हमारे लिए टेन एक्स। अब हमें इसकी जांच करनी है कि एफ एक्स बराबर टेन एक्स जो है वह हमारा इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। तो हम लिखेंगे एफ एक्स बराबर टेन एक्स। क्लियर। अब हम एक्स के स्थान पर माइनस एक्स लगाकर इसकी जांच करेंगे कि हमारे लिए दिया हुआ फंक्शन जो है ओरिजिनल वही प्राप्त हो रहा है या वही प्राप्त हो रहा है लेकिन नेगेटिव में प्राप्त हो रहा है, या न प्राप्त हो रहा है नेगेटिव में न पॉजिटिव में, तो फंक्शन प्राप्ति नहीं हो रहा है, नई चीज बन जा रही है वो, तो वह फंक्शन ना इवन होगा ना ऑड होगा। तो देखिए एफ माइनस एक्स बराबर होता है टेन माइनस एक्स के। यहां पर आप एक्स के स्थान पर माइनस एक्स लगा रहे हैं, और आपको ट्रिग्नोमेट्री में आपने सूत्र याद करा था टेन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस टेन थीटा के। तो इसके स्थान पर आप लिख सकते हैं माइनस टेन एक्स। क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ यहां पर आपका वही फंक्शन प्राप्त हो गया जो यहां पर था, लेकिन हुआ नेगेटिव का,
मतलब इसमें आप लिख सकते हैं माइनस एफ एक्स, अर्थात यहां पर आपकी कंडीशन पूरी हो रही है एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स। इसलिए टेन एक्स कैसा फलन हुआ, टेन एक्स ऑड फलन है, ऑड फंक्शन से। क्लियर। अब देखते हैं हम ऑड एक्स का, ये सब सूत्रों की आपको जानकारी होना चाहिए, केवल इतने से मालूम नहीं पड़ेगा आपके लिए, यही तो मैंने बहुत सरल सरल प्रश्न लिए समझाने के लिए, ठीक है ना। cot x, तो अब आप माइनस f माइनस x का मान निकालेंगे, cot माइनस x आपको सूत्र याद होना चाहिए, cot माइनस थीटा बराबर होता है माइनस cot थीटा के, तो इसके स्थान पर लिख सकते हैं माइनस cot x, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट से इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं एफ एक्स। तो हमारे लिए फल प्राप्त हुआ f माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स, तो क्या हुआ cot x और फंक्शन है। क्लियर। अब आप देखिए अगला, देखिए हमारा फंक्शन है सेट एक्स, जिसकी हमें जांच करनी है, तो एफ एक्स बराबर कितने के हमारे सेट एक्स के। अब हम एफ माइनस एक्स का मान निकालेंगे, तो इसका मान निकलेगा सेक माइनस एक्स, आपको सूत्र की जानकारी होगी, सेक माइनस थीटा बराबर होता है माइनस वाइम सॉरी सेक माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा के, इसलिए ये बराबर हो जाएगा सेक एक्स के। तो इक्वेशन नंबर एक से हम देखते हैं कि एफ एक्स के स्थान पर हम सेक एक्स के स्थान पर हम एफ एक्स लिख सकते हैं, तो हमें फल प्राप्त होता है एफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स के, क्योंकि एफ एक्स के बराबर है, तो सेक एक्स एक इवन फंक्शन से। अब आप देखिए कॉस एक्स की बात कर रहे हैं हम, इसकी हमें जांच करनी है, तो एफ एक्स बराबर कितने के हो गया हमारा कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स, ठीक। अब हम इसकी याद करेंगे, तो इसकी याद करने के लिए क्या करेंगे, एक्स के स्थान पर माइनस एक्स लगाकर देखेंगे कि इसका कितना मान प्राप्त हो रहा है, तो हम एफ माइनस एक्स का मान प्राप्त कर रहे हैं, तो लिखेंगे हम कॉसेक माइनस एक्स। अब आपको सूत्र याद होना चाहिए, कॉसेक माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉसेक थीटा के, तो इसलिए इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं माइनस कॉसेक एक्स, और समीकरण नंबर एक से कॉसेक एक्स जो है वह एफ एक्स के बराबर है, इसलिए हम यहां पर लगा सकते हैं माइनस एफ एक्स, अर्थात हमारे लिए रिजल्ट प्राप्त हो रहा है एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स, इसलिए क्या हुआ कॉसेक एक्स ऑड फलन है। इस प्रकार से ये आपके हो जाते हैं। अब आपके एक दो तीन चार पांच प्रश्न और रह जाते हैं, वो आपको समझ देते होंगे, ठीक है ना। अब आपका देखिए एफ एक्स बराबर दे रहा है एक्स की पावर तीन माइनस फाइव के। अब आप इसमें एफ माइनस एक्स का मान ज्ञात करेंगे, अर्थात जहां जहां फलन में एक्स है वहां पर माइनस एक्स लगाएंगे, तो एफ माइनस एक्स बराबर प्राप्त होगा माइनस एक्स की कोण घातांक तीन और माइनस फाइव। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको प्राप्त होगा माइनस एक्स की घातांक तीन माइनस पांच, अर्थात एक्स के स्थान पर माइनस एक्स लगाने के बाद जो फलन आपको प्राप्त हुआ वह बिल्कुल वैसा फलन प्राप्त नहीं हुआ जैसा ओरिजिनल फलन था। इसमें माइनस के पांच थे और इसमें भी माइनस के फाइव है, लेकिन यहां पर एक्स क्यूब जो था पॉजिटिव था, यहां पर नेगेटिव है, तो इसलिए एफ माइनस एक्स जो है वह एफ एक्स के बराबर तो है नहीं। अब अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो फलन प्राप्त होता है एक्स की घातांक
तीन प्लस फाइव, तो ये चीज जो है ओरिजिनल फंक्शंस के बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एक्स क्यूब पॉजिटिव है और इसमें भी एक्स क्यूब पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर फाइव जो है नेगेटिव के है और यह पॉजिटिव के है, इसलिए हमारे लिए एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स ये भी नहीं प्राप्त हो रहा है। अर्थात जो हमारा f माइनस x का मान निकल के आया था उसके साथ आते हैं ना तो ये लिख पा रहे हैं और न ये लिख पा रहे हैं, अर्थात न ये इवन फंक्शंस की सबको पूरा कर रहा है और न ऑड फंक्शंस की सबको पूरा कर रहा है। अतः x की घातांक 3 माइनस 5 न तो इवन फलन है और ना और फलन। क्लियर? अब देखिए अगला प्रश्न, हमारा फलन भी दिया हुआ है एफ एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स है। अब हमने इसकी जांच कर दी है ये फंक्शन हमारा इवन है या ऑड है, तो एक्स के स्थान पर माइनस एक्स लगाकर जब आप एफ माइनस एक्स का मान ज्ञात करेंगे तो आपको प्राप्त होगा साइन स्क्वायर माइनस एक्स, और ये आपका जो साइन स्क्वायर माइनस एक्स लिखा हुआ है ये एक्टिव में लिखा हुआ है साइन माइनस एक्स और स्क्वायर इस प्रकार से लिखा हुआ है, लिखा इस प्रकार से जाता है लेकिन लिखा हुआ इस प्रकार से है। और आपको अभी सूत्र बताया था हमने साइन माइनस एक्स बराबर होता है माइनस साइन एक्स के, तो इसका मतलब ये हुआ ये चीज जो है वह आपकी प्राप्त होगी कितनी माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको फल प्राप्त होगा साइन एक्स का होल स्क्वायर, और इसको हम ऐसे ही लिखते हैं, चाहे आप इसको ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे मतलब एक ही है। इसका मतलब ये हुआ साइन स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू जो है वह साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू के बराबर निकल के आ रही है, क्योंकि मैंने आपको यहां पर निकाल के दिखलाया था, यहां आप क्रिया करके दिखलाइए इसके, आप माइनस साइन एक्स की पावर 2 बराबर साइन स्क्वायर एक्स, और ये फिर हमारा ओरिजिनल फलन प्राप्त हो गया, अर्थात ये एफ एक्स के बराबर प्राप्त हो रहा है हमारा। हम देखते हैं कि यहां पर जो है f माइनस एक्स जो है वह एफ एक्स के बराबर है, इसलिए साइन स्क्वायर एक्स इवन फलन है या इवन फंक्शंस है। अब tan का देखिए, ये tan क्यूब है हमारा, fx बराबर हमारा दिया हुआ है tan क्यूब x, तो अब हम इसमें x के स्थान पर माइनस x लगाकर f माइनस x का मान निकालेंगे, तो हमें रिजल्ट प्राप्त होगा tan क्यूब माइनस x, और आपको अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था tan माइनस थीटा बराबर होता है माइनस tan थीटा के, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको इससे फल प्राप्त होगा माइनस tan x का होल क्यूब, और इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको रिजल्ट प्राप्त होगा माइनस tan क्यूब x, तो ये माइनस तो ये रहा, और इतना जो आपको प्राप्त हुआ वह ओरिजिनल फंक्शंस के बराबर है, इसलिए इसके स्थान पर आप एफ एक्स लिख सकते हैं, अर्थात आपको रिजल्ट प्राप्त होता है f माइनस x बराबर माइनस एफ एक्स। अगर ये सब पूरी हो रही है, अगर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं एफ एक्स माइनस एक्स बराबर एफ एक्स तो इवन, और अगर इस प्रकार से लिख सकते हैं तो ऑड, और ना आप इस प्रकार से लिख पा रहे हैं और ना इस प्रकार से लिख पा रहे हैं तो ना इवन ना ऑड, तो आपको यहां पर ये वाली सब पूरी हो रही है, तो आप लिखेंगे tan क्यूब एक्स और
और फंक्शंस है, क्लियर। तो इस प्रकार से ये भी पूरा हो जाता है आपका। अब एक आपका लास्ट प्रॉब्लम और रह गई है, मैं आपको मैं ऑफ करके दिखा देता हूं। यदि एफ एक्स, एफ एक्स में आप एक्स के स्थान पर माइनस एक्स लगाने के बाद यदि आपको एफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स प्राप्त हो रहा है तो इवन फंक्शंस, एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स प्राप्त हो रहा है तो ऑड फंक्शंस, और इसमें से कोई भी बात पूरी नहीं हो पा रही है तो ना ऑड है ना इवन है, क्लियर। इतनी बात याद रखनी है आपको, और आपको जो सूत्र है याद रखा जानकारी रखनी है। अब आप देखिए यह हमारा दिया है साइन एक्स प्लस एक्स की पावर दो, तो इसमें x के स्थान पर माइनस एक्स लगाकर हम f माइनस एक्स का मान प्राप्त करना चाहते हैं। यहां पर हमें प्राप्त होगा साइन माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स की पावर दो होल पावर दो। अब आपको हमने बतला था थोड़ी देर पहले साइन माइनस एक्स बराबर होता है माइनस साइन एक्स, तो इससे आपको प्राप्त होता है माइनस साइन एक्स, और जब आप माइनस एक्स की होल पावर टू को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको प्राप्त होगा एक्स की पावर टू। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने एफ एक्स के एक्स के स्थान पर माइनस एक्स लगाया तो आपको ना तो ये ओरियन फंक्शंस के बराबर प्राप्त हुआ, क्योंकि इसके स्थान पर आप एफ एक्स तो लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो साइन एक्स पॉजिटिव का है, यहाँ पर नेगेटिव का है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव का है, यहाँ पॉजिटिव का है, तो इसका निशान बदल गया, पूरे फंक्शन का निशान नहीं बदला। मतलब ये हुआ कि एफ माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ एक्स, क्लियर। और आप जो है अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो आपका बनता है साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां पर तो ये आपका पॉजिटिव हो गया, लेकिन यहां पर ये एक्स स्क्वायर जो था पॉजिटिव था ये नेगेटिव हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि न ये इसके बराबर है, क्लियर। तो क्या लिखेंगे आप, एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ना तो इवन फलन है और नहीं और फलन है, क्लियर। तो इस प्रकार से आप प्रश्नों को पहचानिए, आप स्वयं प्रश्न बना लीजिए, आपके पुस्तकों में दिए होंगे उनसे अभ्यास कीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, और जब आपको इस बात की जानकारी हो जाएगी तो आप कैलकुलस आज के सवाल जब कर रहे होंगे तो आपको बहुत से प्रश्न करने में बहुत आसानी प्रतीत होगी, बहुत आसान लगेंगे प्रश्न आपको, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज का प्रयोग करके हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको जितने भी बताता हूँ ज्यादातर मैं प्रॉब्लम्स ही बताता हूँ, और मेरा उद्देश्य ये भी रहता है कि मैं आपको फंडामेंटल ज्यादा बताता हूँ, जिससे कि आपको जितने ज्यादा फंडामेंटल्स मालूम होंगे, जितने ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, जितने ज्यादा फार्मूले याद होंगे, उतना ही आप मैथमेटिक्स को आसानी से सुगमता से इंटरेस्ट के साथ कर सकते हैं। आज की बात पूरी होती है, समझता आपकी समझ में आ गई होगी, थोड़ा बात आप चिंतन करिए, इस पर मनन करिए, विचार करिए, तब आपकी समझ में और आ जाएगा, और फिर अगली बार आपको कोई निश्चित बताएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।